हे गाइज, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। माय नेम इज अरुण और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आई नो वीडियो काफ़ी टाइम बाद आ रहा है, लेकिन उसके भी कुछ रीजंस थे। लाइफ में 2 महीनों में काफ़ी कुछ हो गया, जिसकी अपडेट मैं एक बाद में सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो में दूंगा। इन शॉर्ट, स्टडीज़ खत्म हो गई, फुल टाइम जॉब शुरू हो गई, और ये वीडियो जिसके बारे में आपने थंबनेल और टाइटल से तो समझ लिया होगा, वी बॉट आर फर्स्ट बिजनेस इन न्यूजीलैंड। तो 5-6 महीनों से ये प्रोसेस चल रही थी, लेकिन लास्ट का जो 1 महीना था ना, वो काफ़ी भागा दौड़ी वाला था, क्योंकि बिफोर 1 मंथ, हाँ 1 महीने पहले हमने उस जो स्टोर का है वो टेक ओवर लिया। तो उसको अपने तरीके से सेट करना था, समझना था, ऑन द ट्रैक लाना था, तो इसमें 1 महीना हो गया। ये वीडियो मैं 1 महीने बाद शूट कर रहा हूँ। तो आज के वीडियो का एजेंडा काफ़ी सिंपल है। आज मैं आपको हमारे बर्गर स्टोर का वॉक अराउंड देने वाला हूँ, कहाँ है, कैसा है, कैसे हम वहाँ पे ऑपरेशंस मैनेज करते हैं, तो ये वीडियो है उसके बारे में। देखो, ये बिज़नेस की जो प्रोसेस है ना, वो दिखने में बहुत सिंपल लगती है, पहले हमें भी लगता है, और एक्चुअल में इतनी सिंपल है ही, लेकिन जब तक आप इस प्रोसेस से पास नहीं होते ना, तब तक आपको समझ में नहीं आता। क्योंकि भाई देखो, हमारा ये पहला बिज़नेस था, तो बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी थी, बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी थी, कि रिस्क ले रहे हैं तो कैसा होगा, सही जाएगा नहीं जाएगा, कौन सा बिज़नेस ले। क्योंकि जब आप बिज़नेस लेने निकलते हो ना, तो मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, उसमें से जो आपके लिए सही हो वो चूज़ करना थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है। लेकिन एक बार ये जब शुरू हो जाता है ना, तो वन बाय वन सारी चीज़ें सेटल हो जाती है। 5 महीने लगे हमको ये फाइनलाइज़ करने में, और फाइनली हमने जाके सेटल करके इसका टेक ओवर लिया। तो प्रोसेस थोड़ी लंबी है। तो 14 किलोमीटर्स होता है ये हमारे घर से, वेस्ट सिटी हेंडरसन जो मॉल है ना, वहाँ पे ये स्टोर है। और हाँ, बस इतना सा ट्रैवलिंग होता है। तो हम दोनों, मैं और नीरल दोनों पहुँच गए हैं। देखो, ये कुछ अभी नया सीखी है, ये वो उबले हुए सब क्या बोलते हैं उसको, फ्रूट्स, उसका कुछ पानी गर्म करके, वेजिटेबल्स का पानी गर्म करके पीती है। तो अभी एक्चुअली मॉल के फूड कोर्ट में है ये स्टोर, तो जितना भी मॉल का टाइमिंग है ना, वो टाइमिंग के लिए ये खुला रहता है। थर्सडे फ्राइडे लॉन्ग आवर्स होते हैं, लाइक सुबह 9 से शाम को 9 बजे। और अभी हमारा फैमिली और हमारे पार्टनर का फैमिली, हम सब मैनेज कर रहे हैं। हमारे गुजराती में कहवत है, जब ऐसा कुछ करता है ना, तो उसको बोलते हैं घरना बुआ ने घरना डाकला, ऐसा ही कुछ बोलते हैं ना। तो अभी हम खुद से ही मैनेज कर रहे हैं। तो आज मेरी और नीरल की दोनों की छुट्टी थी, तो आज हमारी यहाँ पे शिफ्ट है पूरे दिन की। तो देखो, ये ऐसे फूड मॉल में एंट्री करते हैं यहाँ से, और यहाँ से ऊपर फूड कोर्ट है, और वहाँ पर है स्टोर। और जैसे ही ऊपर चढ़ता है, तो यहाँ पे दिखता है जो हमारा बर्गर स्टोर है, डाउन लो बर्गर स्टोर। और देखो, ये पूरा फूड कोर्ट है, आप कहीं से भी आओ, यहाँ से आओ, यहाँ से आओ, या फिर यहाँ से आओ, पूरा एकदम सेंटर में है, तो सीधा दिखता है। देखो, ये मैडम जा रहा है, और चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसा है और क्या चीज़ें हैं। चलो, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। यहाँ से स्टोर की शुरुआत होती है। ये पूरी जो आप जगह देख रहे हो ना, टिल यहाँ तक, ये हमारा स्टोर है, बर्गर स्टोर है डाउन लो। अगर किसी ने इंस्टाग्राम की स्टोरी मिस कर दी हो या भूल गए हो, तो इट्स एन अपडेट। ये सारी जगह है, डाइन इन है, टेकवे है, और ये पूरा फूड कोर्ट तो इसके अंडर आता ही है। तो शुरू करते हैं हमारी प्रिमाइसिस से, यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखो, यहाँ पर ब्रांड का नाम है। ये सारा जो एरिया है ना, वो डाइनिंग का एरिया है पूरा, ऐसा मतलब यहाँ से ना देख के हमको पूरा फूड कोर्ट दिखता है। तो ये प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है, और जो बैठने की जगह है ना, वो काफ़ी वाइब्रेंट और अच्छी जगह है। तो ये पूरा डाइनिंग के अंदर आता है। यहाँ पे हमारी डेली $9 की डील है। यहाँ पे पूरा मेन्यू लगा हुआ है, वहाँ से लाइट थ्रो होती है, तो वो दिखता भी काफ़ी सही है। अभी हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये जो है चीज़, ये हमारा वर्किंग एरिया है, ये पूरी असेंबली लाइन है, यहाँ हम पैकेजिंग रखते हैं। देखो, ये सारे सॉसेस, और मेन चीज़ फूड इंडस्ट्री की, ग्रिल, बर्न वार्मर, और ये जो है वो है हमारा साइड्स को गर्म करने के लिए, बनाने के लिए फ्रायर्स। यहाँ पे हम आइसक्रीम रखते हैं, ये हमारा ड्रिंक फ्रीजर है,
और यहाँ पे हमारा जो शेक्स की प्रेप बेंच है। और अगर मुझे आप देखोगे तो देखो मैं अभी यूनिफॉर्म में आ गया हूँ, क्योंकि ये आज पूरा मेरा वर्किंग डे है, लेकिन बीच में टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इसी बात पे एक सब्सक्राइब तो बनता है और एक अच्छी सी प्यारी सी कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिख देना। लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो ये हमारा एम्प्लॉई आज का एम्प्लॉई यहाँ से हम अंदर जाएंगे ना तो ये हमारा प्रेप एरिया है। और देखो गुजराती है ना तो थोड़ा सा भी सॉस हम मिस नहीं करेंगे। बॉटल को उल्टी रख दी है तो जितना भी बचा हुआ सॉस है ना वो यहाँ पे आ जाएगा, फिर उसको हम भर देंगे। ये हमारा प्रेप एरिया है, ये प्रेप बेंच 1, ये प्रेप बेंच 2 और यहाँ पे दूसरा फ्रीज़र भी है। यहाँ पे हम जो भी चीज़ें होती है ना उसको प्रेप करते हैं। ये हमारा वर्किंग डेस्क है और ये है हमारा चिलर, यहाँ पे सारी चीज़ें हम स्टोर करते हैं। तो ये हो गई अंदर की बातें। इस तरफ है हमारा डिश वॉशिंग की चीज़ें, यहाँ पे हम डिश वॉश करते हैं। और ये देखो ये नीरल है और ये जैसे मैंने बताया हमारे पार्टनर की वाइफ है निकिता भाभी, ये यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम रहते हैं जो यहाँ इनको मैनेज करते हैं। तो देखो ये सारे सॉसेस है, ये पैकेजिंग का मटेरियल है, यहाँ पे एक दूसरी जगह है, ये यहाँ पे हम एक्चुअली बर्गर बनाते हैं, यहाँ हम बर्गर को असेंबल करते हैं और बस ऐसा है। देखो तो ये इतना सा स्टोर है। आपको आई होप कि ये जो मैंने वर्चुअल टूर दी वो आपको अच्छी लगेगी। अगर आप ऑकलैंड से ये वीडियो देख रहे हो तो हमारा जो स्टोर है वो वेस्ट सिटी हेंडरसन मॉल के फूड कोर्ट में है। मैं यहाँ पे नहीं रहता ऑल द टाइम, मैं मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे को रहता हूँ। तो अगर आपको वर्चुअल टूर अच्छा लगा है तो आप अगर आपको बर्गर का शौक है तो आप विज़िट कर सकते हो आपके डे ऑफ्स में। हाँ तो बस ऐसा है। देखो ये आज ये पूरा वतन हम तीनों के हवाले है। तो ये जैसे मैंने बताया ये यहाँ पे हम बर्गर बनाते हैं। अभी ये वीडियो मैं इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि अभी इतना बिजी नहीं है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। 5 महीने लगे हैं इस जो ड्रीम को कंप्लीट करने में, एक सपना देखा था, मेहनत करी और होपफुली भगवान का आशीर्वाद और सब लोगों की दुआओं से ये जो ड्रीम था वो फाइनली कंप्लीट हुआ। और हाँ बस ऐसा ही है। तो अभी मेहनत कर रहे हैं, 1 महीना हुआ है, धीरे 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 इसको बढ़ाएंगे, ग्रो करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप कभी भी विज़िट कर सकते हो। बस तो इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना। और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मोमेंट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इंस्टाग्राम पे इसका वीडियो और फोटोज़ रखे हैं, अगर नहीं फॉलो करते तो arun8933 इंस्टाग्राम का हैंडल है मेरा। तो इस वीडियो को आपकी जो भी बेस्ट विशेष है, जो आपको लगता है, जो फील होता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी दिन ऐसे वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज़ अरुण।